बॉलीवुड में नंबर वन अमिताभ बच्चन जी है और यहाँ नंबर वन अमिताभ बच्चन जी है। इन्होंने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके 5 साल से खुद ना खाते ना सोते लेकिन आप लोगों के लिए मेहनत करते, कभी झूले कभी सड़क कभी पार्क कभी जिम कभी अस्पताल कभी बिजली कभी पानी, हर सुविधा जो एक नागरिक का हक है वो उन्होंने आपको दिलवाया। दिन रात मेहनत करके आपकी एक फोन के लिए तड़पते हैं, आपकी हर चीज के लिए भागते हैं और हमेशा आपके लिए 24 घंटे मौजूद है। तो 20 तारीख नंबर वन का बटन दबाइए, साइकिल का सिंबल दिए और बड़े तादाद में गबर मचाइए, अमिताभ जी को जिताइए। आपके बीच में खड़े थे कि नहीं खड़े थे, और ये बाबा जो हम सबके रखवाले हैं, ये बाबा का दरबार किसने सजाया? हमने सजाया कि नहीं सजाया? गिनाई का पत्थर लगवाया कि नहीं? पूरे क्षेत्र का सीवर पानी गलियां सड़कें और पार्क पाक्षी कराया कि नहीं कराया? ये बच्चों के झूले हमने लगवाए पार्क में कि नहीं लगवाए? तो सब बच्चे बूढ़े और जवान मिलकर के बोले, एक जवान अमिताभ है तुम्हारे साथ। और हम ज्यादा लंबा आपके बीच में नहीं आएंगे। अमीषा जी का बड़ा मन था कि बाबा आनंदेश्वर के दरबार के दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा पहले मेरे लोगों के दर्शन कर लो, यहाँ तो घट घट में बाबा आनंदेश्वर बसते हैं। आज के इस मौके पर एक बात है, वो प्रत्याशी जो आपके बदल में क्षेत्र बदल के आपके बीच में आ गए हैं, जब कोरोना का काल चल रहा था तो क्या उन्होंने किसी की मदद करी? क्या सुख दुख में किसी के शामिल हुए? क्या आप गुंडों के बल पर के वोट ले लेंगे क्या? क्षेत्र के गुंडों के बल वोट ले लेंगे क्या? और फिर गुंडों की मुंडाई तो हम एक दिन में ठीक कर देंगे।